गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप कैसे हो कमेंट करके बताना मुझे। और अभी मेरा बच्चे अभी स्कूल गए हैं, मेरे हस्बैंड भी अभी गए हैं, अभी किचन बिल्कुल अभी फैली हुई है, तो मैं अभी चेतन नहीं गया, मिस करन गई है स्कूल, मैं उसके लिए दूध बना रही थी, अभी गई है, 5 मिनट हो गई है तो। और बस अभी बच्चे भी गए हैं, ये भी गई है, फिर चेतन के लिए मैं दूध बनाई, वो स्कूल नहीं गया आज। और ये अभी मेरी किचन बिल्कुल वैसी हुई पड़ी है, अभी किचन की क्लीनिंग करूँगी अपने लिए, थोड़ी सी चाय, पहले मैं चाय पीऊंगी और उसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग वगैरह करूंगी। पहले ठंड हो रही है ना, ठंड में थोड़ी चाय पीने की का मन भी करता है, इसलिए मैं चाय वगैरह भी पी रही थी, पीने का मन कर रहा था। मैंने कहा चलो चेतन के लिए पहले मैं दूध बना देती हूँ और फिर चाय भी बनाती हूँ। और चेतन ने टीवी चला रखा है, वॉल्यूम भी बहुत तेज कर रखी है, तो बच्चों के लिए आज मैंने सुबह बनाई थी आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, और रात की पनीर की सब्जी थी, वो थी लंच में, मैंने इनको पनीर की सब्जी और गोभी की सब्जी दी है। और ये करी ठंडा होगा थोड़ा सा दूध, और इतने चाय बनेगी, मैं इतने किचन को थोड़ी थोड़ी क्लीन कर जाऊंगी यहाँ पे, ये सब्जी वगैरह खाली कर दूंगी, ये सब कर दूंगी, तो मैं चेतन को दूध दे के आती हूँ, गर्म है थोड़ा, मतलब गर्म गर्म पी लेगा, और मुझे भी ठंडी लग रही है इस टाइम तो, बहुत ही ठंड हो रही है। आप लोग भी समझते हैं ठंड में तो मन करता है ये सबका ही चाय पीने का, तो और मैं किचन की अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर दूंगी, इतना भी थोड़ा सा सुनवा देती हूँ, फिर इसको अच्छे से क्लीन करूंगी। और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, प्लीज रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी नया आए मेरे चैनल से जुड़िए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, और अपनी मेरी वीडियो को शेयर भी करा करें। और यहाँ पे मुझे जुकाम भी हो गया है, तो मैं अदरक की चाय पीती हूँ, अदरक और मसाले की चाय पीती हूँ, ये मेरे चाय का मसाला है, ये चाय का मसाला है, अच्छा मसाला है खांसी जुकाम में, वैसे भी डाल लो अच्छा है। और मिर्ची, चाय की पत्ती डिब्बे में, मैंने चाय पत्ती क्यों डाली, उसमें दूसरी चाय पत्ती है, वो अच्छी नहीं लगी, तो मैं इसी से रख रखा है, जितने दिन इसमें चलता है ठीक है। चलिए मैं चाय बनाती हूँ, जो चाय बना लेती हूँ। हाथ भी फेर देती हूँ डिब्बों पे, गंदे ना हो जिससे, चाय पत्ती चीनी जो जो डेली हाथ लगता है ना, उनके हाथ लगा देती फेर देती हूँ, जैसे गंदे ना लगे। ये मैं दूसरे तीसरे दिन जैसे करती रहती हूँ, डेली जो लगती है उनके तो करती रहती हूँ, लेकिन मैं थोड़े से एक दो एक्स्ट्रा डिब्बे भी रहते हैं ना, उसमें मैं 7-8 दिन में या दूसरे तीसरे दिन इनमें ऐसे ही हाथ निकाल देती हूँ, जिससे मैं साफ करती हूँ, रहते गंदे गंदे अच्छे नहीं लगते। इनमें मैं इस डिब्बे में मैं छोटी छोटी डिब्बियाँ रखती हूँ, जैसे हींग की है, मसाले की है, चाय के मसाले की है, नमक की डिब्बी है, मिर्ची की डिब्बी है, इन चीज़ों को मैं रख देती हूँ। और भी मैं नहीं होती, मसालदानी भी खाली कर दी है, मसालदानी का भी साफ करूँगी अभी, तो मैं फिलहाल इनको कपड़े से पूछ के इधर रख देती हूँ, बाद में जब मेरी मसालदानी धुल जाएगी तो मैं उसको उसमें रख दूँगी, तो मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। और यहाँ पर मेरी मुद्दी रख सकती है, तो मेरे हाथ ही आता ना मेरे को, तो इसमें काम आ जाती है, तो ये दिवाली पे कैंडल लाए थे, उसकी 2-3 डिब्बियां बच गई थी, हाँ कितनी है, 3 कैंडल बच गई थी, तो मैं इसको भी कर निकाल दूंगी। और ये मैं ग्रीन टी पीती हूँ, टिटली की है ग्रीन टी, ये मैं पीती हूँ इसको। और ये मैं घी है, गाय का पतंजलि का घी है ये, मैं ना इसी तरह का घी यूज करते हैं ज्यादा, वैसा नहीं करते। और ये चेतन देखो खाके बिस्किट रख रखा है, इसको मतलब इनका हाल बेहाल है।
और ये रैक भी साफ कर देती हूँ बीच बीच में। मैं इनमें मैंने ना पॉलिथीन लगा देती जब हूँ, और अब मैं इनमें से ये पॉलिथीन हटा देती हूँ। गंदी मतलब कहते ना गंदी सी हो जाती है, तो फिर मैं हटा देती हूँ। इसमें देखो मैंने ये फल्स कहते ना ये बटुआ है कुछ चीज़ का था, इसी में ही रख दिया, ध्यान ही नहीं आ। मैं इसलिए लगा के रखती हूँ कोई सामान नीचे ना पड़े, इसलिए मैं इस पर लगा देती हूँ। उससे भी साफ बनी रहती है, चिकनी भी नहीं होती है, साफ सुथरी बनी रहती है। तो कपड़ा मारूंगी तो साफ हो जाएगा, फटाफट से साफ हो जाएगी, तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और ये फिर करते रहो ना तो गंदी भी नहीं होती है, अगर ना करो ना तो गंदी हो जाती है। मैं इसको करती रहती हूँ, जैसे इसको तो देखो हफ्ते भर में करती हूँ साफ, हफ्ते में 8-10 दिन में। ऐसे डेली तो नहीं करती, मैं भी कह दूँगी डेली करती, डेली नहीं, डेली का इतना टाइम भी नहीं लगता भी मुझे तो, क्योंकि मेरी अपनी अपनी शॉप भी है ना, फिर उसको भी देखना पड़ता है मुझे। तो मेरे जैसे जैसे टाइम लगता है ना, मैं उसी हिसाब से रुकती हूँ। इसमें मैं साथ ही साथ कपड़ा भी लगा दूँगी। लगा दी है जिससे कि ना गंदी नहीं होगी, चिकनी भी नहीं होगी और गंदी भी नहीं होगी। घी का डिब्बा है, घी खत्म हो गया इसमें, तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया। तो मैं इसमें पोंछ पोंछ के इनको वापस लगा दूंगी। ये छोटे छोटे चाय के मग हैं, इनको मैं इसको नीचे रखती हूँ, जब मुझे एक्स्ट्रा की जरूरत होती है तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। और अच्छी भी लगती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये वाली। मैं इनको ना एक बार देखने में ही ले आई थी, और इसमें मैंने पैसे भी रख रखे हैं। और ये है अलसी। आप लोग क्या बोलते हैं? तो मैं तो अलसी बोलती हूँ। तो ये चीज है, ये इनको यहाँ रखती हूँ, क्योंकि ये मुझे कभी ऐसे जरूरत होती है ना सॉप तो सब्जी वगैरह में डाल के रखती हूँ, ऊपर रख देती हूँ, तो मेरे हाथ में आती ये डिब्बिया, ये छोटी डिब्बिया मैं रखती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ के लिए चाहिए। और ये मेरे नॉर्मल रख सकती पूजा वगैरह के लिए, तो बस। और ये मेरी घी दाली है, जिसमें घी वगैरह रखती हूँ। तो मैं इसको नीचे भी रखती हूँ, हाँ नीचे नहीं, इसको मैं यही रखती हूँ। ये मैंने गोला निकाला था किसी काम के लिए, कुछ काम करूँगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, है ना। तो ये रैक तो मेरा साफ हो गया। मैं ऐसे ही इसको ना 8 दिन में 10 दिन में ऐसे करती रहती हूँ। चलो आगे का करती फिर बताती हूँ। तो सब चीज़ें ऐसे हटाने के बाद, साफ करने के बाद, टोकरी वगैरह रैक वगैरह साफ करने का, तो मैं अभी यहाँ पे आ गई हूँ। गैस चूल्हा भी साफ कर लूँगी साथ के साथ, और सलबी को भी साफ कर लूँगी मैं हाथ के साथ के साथ। फिर बात करती हूँ, फिर आपके उसमें लगे देखती हूँ ना, तो इसको सेट करने में टाइम लगे, तो इसको कर लेती हूँ, फिर मिलेंगे आगे आगे के काम में। मैं टाइल्स को भी डेली कर देती हूँ, क्योंकि ना ये छीट वगैरह ना लगे, नहीं तो गंदी गंदी अच्छी नहीं लगती है। इसमें टाइल्स वगैरह डेली कर देती हूँ, गर्म पानी में कपड़ा भिगो के कर देती हूँ, तो भी लगते भाई कुछ ना कुछ में छीट तो लगी जाती है इन पे टाइल्सों पे। और ये वाइट कलर की टाइल्स वैसे हैं, तो इनपे तो साफ दिखना ही वाजिब है, इसलिए इनको मैं डेली साफ करते टाइम मैं डेली ऐसे ही कर देती हूँ, एक हाथ मार देती हूँ इनपे, कि जिससे मेरी टाइल्स गंदी ना रहे। नहीं तो इनको पीला पड़ने में टाइम तो नहीं लगता कुछ भी, क्योंकि वाइट है तो वाइट तो भाई गंदी हो ही जाती है। इनको टाइम टाइम पे करते रहो, डेली करते रहो, और एक हाथ मारने में डेली में टाइम नहीं लगता है। अगर डेली करेंगे टाइम नहीं लगेगा, और तो रोज नहीं तो लेट करेंगे तो भाई 4-5 दिन में तो टाइम तो लगता ही है, इसलिए मैं डेली इन पे हाथ मारती रहती हूँ। और अभी मैं बर्तन भी क्लीन करूंगी, एक पहले ऊपर से स्लिप हो जाएगी ना, तो फिर नीचे से झाड़ू निकाल के बर्तन करूंगी, जो बर्तन रखे। जिनकी सफाई करके मैं इस कमरे में आ गई हूँ,
इस कमरे में अभी मेरी आज तो रजाई वगैरह सब पड़ी हुई है, मैं थोड़ी सा करती हूँ। तो मैं मेरा मैक्स भी उठ गया और आज चेतन स्कूल ले गया, हेल्थी है आज ही, तो मैं इनकी रजाई वगैरह भी तय वगैरह कर देती हूँ। ओके सर्दियों में ये कम बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना कम हो जाता है, रजाई उठाओ कम्बल उठाओ ये करो और कम इतने फैल जाते हैं, ये बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, जैसे समर तो हुआ आधा टाइम तो इनमें कट जाता है। गर्मियों में इतना नहीं होता है, गर्मियों में तो बस बेडशीट चादर वगैरह सही करनी होती है, बेडशीट वगैरह, और गर्मियों में तो सर्दियों में इनका कम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें कम्बल की तय करो, रजाई की तय करो, बेडशीट वगैरह झाड़ू करो, मतलब बहुत ज्यादा काम हो जाता है इनका। और ये चेतन दिखा रहा है अपनी किट खोल के आया है, देखो ये दिखा रहा है, चेतन दिखा रहा है अपनी किट, दिखा दे रहा है, बोल दे हाय गाइस, ढंग से बोल दे हाय गाइस, और किट दिखा दे ढंग से, दिखा दीजिए ये किट लेके आया है चेतन अपनी, मैं इसको इन रजाइयों को मैं दूसरे कमरे में रख जाती हूँ, वहां पे अभी पता है मेरे कपड़े भी रखे हैं तय लगाने, कपड़े रोज हो जाते हैं आजकल सर्दियों में, वैसे भी जल्दी से नहीं सूखते है ना, फिर उसको रखे तो मैं रख आती हूँ। तो ये हमारा मैक्स जूट नहीं हट, दोनों रजाइयों को मैं दूसरे कमरे में रखाऊंगी, कम्बल बस मैं इस बेड की लगा दूंगी क्योंकि कोई लेके हाँ मैं कहती थी कम्बल मैं इसी बेड पे लगा दूंगी, कोई लेटे तो उसके लिए काम बन जाएगा, क्योंकि कोई लेटे क्या मैं ही लेटती हूँ, सोचे कोई लेटेगा क्या मैं ही लेटती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के 10-15 मिनट के लिए लेटती हूँ, तो कम्बल तो चाहिए क्योंकि सर्दियों में ठंड भी तो लगती है, तो इस कमरे को तैयार कर देती हूँ। चेतन को खांसी भी हो रही है, मैं
शाम के 4:30 बज रहे मैं किचन में आ गई थी। मैं ना काम करके थक गई थी बहुत ज्यादा, किचन वगैरह साफ करी थी, अभी किचन के बर्तन भी नहीं लगाए मैंने, तो अभी मैं बर्तन भी लगाऊंगी। और अभी चेतन बच्चों को भूख लग रही है तो मैं हलवा बना रही थी सूजी का, तो मैंने एक कटोरी सूजी ली है, साफ कर ली मैंने तो एक कटोरी सूजी ली है, तो चलिए हलवा बनाते हैं। और ये बच्चे बोल रहे हैं, मैंने इनसे कहा था अभी थोड़ी देर चुप रहना, लेकिन नहीं बोल रहे हैं, अभी आए हैं ना स्कूल से तो बोलेंगे तो सही। चलिए मैं सूजी बना, ये इसको बनाती हूँ, ये भी बना रही हूँ सूजी। मैंने एक कटोरी सूजी ली है ना, मैं इसको सेक लूंगी धीरे धीरे, ज्यादा लग रही है बल्कि मुझे तो कम ही, मतलब एक कटोरी से थोड़ी कम ले लिया मैंने सूजी, क्योंकि मुझे ज्यादा लग रही थी थोड़ी सी, तो इसको मैं सेक लूंगी, मतलब तो थोड़ी मीडियम सी आंच करके इसको सेक लूंगी। और इसमें मैं घी डाल लूंगी, बाहर लोग बैठे हैं बातें कर रही है, उनकी आवाज आ रही है, तो चलिए मैं इसको धीरे 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 इसको सेक लूंगी। और इसको तब तक चलाते रहो जब तक इसमें एक ब्राउन सा कलर ना आ जाए ना, तब तक इसको अच्छे से भूनते रहना चाहिए, नहीं तो कच्चापन अच्छा नहीं लगता, कच्ची कच्चा सा। इसको मैं तो वही ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग किस हिसाब से बनाते हो, अब कहते हैं सबको बनाना आता है, लेकिन मैं एक इसमें ना ब्राउन सा कलर आ जाता है ना, एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आ जाती है बनने के बाद, भूनने के बाद इसमें, तो इसको भूनती हूँ लगातार चलाते रहना चाहिए, नहीं तो ना ये जल भी जाता है। ये देखिए ब्राउन कलर होने लगा है, ये सीख सीख के, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ब्राउन कलर होने लगा, तो मैं थोड़ा और करूँगी अभी, मतलब एकदम पूरा वाला नहीं आया, इसको थोड़ा सा और ब्राउन कलर करूँगी इसमें। जैसा देखिए मुझे कलर चाहिए ना वैसा कलर हो गया इसमें, देखिए एकदम ब्राउन कलर आ गया, मतलब खुशबू आ रही है इसमें, तो मैं इस पहले तो मैं इस चम्मच को हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे इस चम्मच इससे ना हो नहीं रहा, मैं दूसरी चम्मच लेती हूँ। तो गाइस मैंने ये ले ली क्योंकि उससे ना साइड से नहीं हट रहा था, तो साइड से भी हट गया इसका कलर आ गया, तो मैं इसमें ना पानी डाल दूंगी, धीरे धीरे पानी डालना, मुझे सीटी लगती है, और इसको ना लगातार चलाते रहती नहीं तो गांठे पड़ जाती है। मतलब आप इतना रखना चाहिए आप, हाँ देखिए इतना पानी रखा है मैंने, ये सूख जाएगा पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। क्योंकि पानी सूजी पानी बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है, तो इसलिए मैंने देखिए और ये सूजी का हलवा बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है और सर्दियों में भी अच्छा भी रहता है। कहने वाले कि है ना सर्दी में अगर कुछ खाने का मन करे तो गर्म गर्म, तो ये सूजी का हलवा बना लो, बड़ा टेस्ट लगता है। और इसमें अपने मतलब जितनी चीनी आप खाना चाहते हो, ज़्यादा खाने चाहते हो ज़्यादा, कम खाना चाहते हो कम, मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डाल सकते हो, मुझे जिस हिसाब से जितनी चाहिए भाई जितनी खाते हैं मैंने उस हिसाब से इसमें डाल दी और इसको चलाते हैं, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है ये हम। और इसमें आप लोग ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं, मैं इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी, मैं इसमें केवल गोला ही डालूंगी, ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि सिंपल पसंद करते हैं ना, मैं इसमें सिंपल ही बनाऊंगी, ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी मैं इसमें, और मैं इसमें सिर्फ गोला डालूंगी जो कि मैंने ये कस के रख रखा है गोला, तो ये बन के तैयार हो गया है, तो मैं इसमें गोला डाल देती हूँ, तो ये बन यम्मी यम्मी तैयार हो गया है, तो देखिए एकदम बन के तैयार हो गया है, देखिए है ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और
प्लीज गाइज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए ये बन गया है, मैं बच्चों को दे आती हूँ क्योंकि चेतन ट्यूशन जाएगा इसलिए मैं इसको दे देती हूँ। चलिए तो एवरीवन देखिए बन के तैयार हो गया है ये हलवा, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए मैं इसको दे आती हूँ, चेतन को ट्यूशन चला जाएगा वो खा के, तो मैं उसको दे के आ रही हूँ, फिर मिलती मैं आपसे। थोड़ा सा मैं भगवान जी के लिए भी निकाल देती हूँ, भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, तो कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ। तो अभी उसने खाया नहीं, मैं उसको देख के आई हूँ, कान्हा जी को भोग लगा के आ रही हूँ। तो मैं साथ ही साथ अपने लिए चाय बनाने लग गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ, बच्चे खा रहे हैं, तो मैं चाय बनाने लगी थी। इधर ही पहले मैं चाय पत्ती, चीनी और अदरक डाल, अदरक खत्म हो रही है लेके आती हूँ। तो ये मेरी चाय बनी, मैंने इसमें अदरक भी डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, तो ये चाय बन जाती है मेरी। तो आप लोग भी पी लीजिए ये चाय आकर। सर्दी का टाइम है, आप लोग भी आके चाय पी लीजिए, सर्दी में चाय बहुत अच्छी लगती है, आप भी पी लीजिए आकर। मैं ऐसे लगा देती हूँ, वाल आ जाती है अभी बस। तो आप लोग भी आइए चाय पिए, बन पी लीजिए, बन के तैयार हो गई है चाय एकदम। थोड़ी सी चाय में मुस्कान को दूंगी, थोड़ी मैं दूंगी बाद। चलिए अब हम चाय पी लेती हूँ मैं, फिर मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगी। एवरीवन मैं इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं कितनी लंबी वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैं अभी मेहंदी भिगोंगी सर में लगाने के लिए, मैं किस तरह से भिगोती हूँ वो आपको बताऊंगी, लेकिन इसमें नहीं बताऊंगी, मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। मैंने मेहंदी का पैकेट मंगा रखा है, दिखाती हूँ मैं कौन सा मंगाया है। तो ये लेके आई थी मैं नूपुर का, हाँ नूपुर का मेहंदी का पैकेट है ये, हाँ नूपुर का हिना मेहंदी का पैकेट है। और इसमें मैं क्या क्या, वैसे इसमें सब चीज़ मिली हुई है, लेकिन मैं और भी कुछ क्या क्या मिलाती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊँगी, मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगी, तो आप लोग ज़रूर देखना। और मैंने सूजी का हलवा कैसे बनाया तो आप लोग उसको भी एक बार बताना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग भी ट्राई करना, इस तरह से बहुत ही जल्दी बन जाता है सूजी का हलवा। तो देखिए मेरे बाल देखो, पता नहीं क्या, मैं इनको कितना ही बांध देती हूँ फिर भी आगे आ जाते हैं। तो मैं मेहंदी लगाऊंगी, देखिए मेरे बाल ना सफ़ेद हो गए आगे से बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब मैं आपको यहीं पर ही बाय बाय कहती हूँ, तो तब तक इस हाथ से नहीं, इस हाथ से उंगली आती है तो मैं आपको बाय बाय कहती हूँ, बाय। फिर कल मिलेंगे, नेक्स्ट कल नहीं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मैं अभी दूसरी वीडियो चालू कर रही हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय।